हेलो भाई लोग, जैसा कि आज का ये वीडियो भाई बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि भाई अगर आप बहुत ही पावरफुल सेटअप लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि इस सेटअप में हमको चार टॉप और एक एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि सबसे कम प्राइस में बहुत ही पावरफुल ये सेटअप होने वाला है। जैसा कि इस सेटअप में भाई हमको चार टॉप भाई देखने को मिल जाएगा JBL मॉडल का, और इसमें जो स्पीकर फिटिंग होने वाला है भाई आइडियोटोन का 600 वाट स्पीकर फिटिंग होने वाला है। और इस सेटअप में जो एम्पलीफायर होने वाला है भाई स्टेंजर का एम्पलीफायर होने वाला है। मानिए भाई सबसे कम प्राइस में सबसे पावरफुल ये सेटअप देखने को मिल जाएगा। इस सेटअप को आप हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि भाई फ्लो डीजे पे या भाई डीजे के लिए लेना चाहते हैं। तो इस सेटअप का फुल डिटेल और भाई 2024 में इस समय का इस सेटअप का कितना प्राइस रेंज देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जैसे कि भाई डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से हम वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये सेटअप तैयार करने के लिए हम चार कैबिनेट ले लेते हैं। जैसे कि JBL मॉडल का ये कैबिनेट हमको देखने को मिल जाता है। इस कैबिनेट का मॉडल नंबर SRX 725 इस कैबिनेट का मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। जैसा कि ये कैबिनेट आपको अपने लोकल मार्केट में जरूर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि ये JBL मॉडल का कैबिनेट हर मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कैबिनेट के अप्रॉक्स प्राइस की। जैसा कि एक कैबिनेट लेने जाएंगे तो 6000 में हमारा एक कैबिनेट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप चार कैबिनेट ले रहे हैं तो 24000 में चार कैबिनेट मिल जाएगा। ये तो हमारा हो गया कैबिनेट। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कैबिनेट के लिए जो हम स्पीकर फिट करने वाले, काफी हाई वाटेज का स्पीकर होने वाला है। जैसा कि आइडियोटोन की तरफ से ये स्पीकर देखने को मिल जाता है। इस स्पीकर का मॉडल नंबर AD15X600G जैसा कि इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि आइडियोटोन की तरफ से काफी पावरफुल ये स्पीकर देखने को मिलता है। इसी स्पीकर में आपको 4 इंची का वॉइस कॉइल देखने को मिल जाएगा इन आउट वेंडिंग के साथ। और भाई इस स्पीकर में मिड, कम और बेस ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आइडियोटोन के इस स्पीकर के एम्प्रोक्स प्राइस की। जैसा कि एक स्पीकर हमारा 8000 में पड़ रहा है एक कैबिनेट में। जैसा कि हमको स्पीकर फिटिंग करने में मान के चलिए भाई 16000 स्पीकर, 6000 कैबिनेट, 22000 कैबिनेट और स्पीकर के साथ रेडी हो रहे हैं। जैसा कि इसी तरीके से अगर हम चार कैबिनेट फिट करेंगे स्पीकर के साथ तो हमारा एम्प्रेस प्राइस बैठ जाएगा 88000 चार कैबिनेट का स्पीकर के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं इस चारों टॉप को चलाने के लिए बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा होगा। जैसा कि भाई ज्यादा बजट में नहीं, जैसे कि हमारा कम बजट में एक अच्छा एम्पलीफायर आ जाए। जैसे कि भाई बहुत से भाई लोग यहीं पे कन्फ्यूज रहते हैं भाई, जैसे कि गलतियां करते हैं, कैबिनेट का वाटेज कुछ रहता है और एम्पलीफायर कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि वाटेज सेम नहीं होता भाई, आपका अच्छे से पंचिंग नहीं निकाल के देता है। जैसे कि भाई हमारे एक टॉप 1200 वाट ऐसे बन रहा है भाई, 1200 वाट का एक कैबिनेट बन रहा है। इसके लिए हम जो एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं इसमें, तो भाई हमको स्टेंजर की तरफ से ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि SPB 5 के। जैसे कि ये एम्पलीफायर डुअल चैनल में हमको देखने को मिल जाता है स्टेंजर की तरफ से, और भाई काफी कम प्राइस में 5000 वाट का ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में। जैसे कि इस एम्पलीफायर में हमको 2 ओम पे जैसे कि भाई 2500 वाट पर चैनल पे देखने को मिल जाता है। 5000 वाट का एम्पलीफायर है तो भाई 2 ओम पे 2500 वाट निकाल के देगा। और जैसे कि दो कैबिनेट का जो हमारा वाटेज बन रहा है भाई 2400 वाट बन रहा है। जैसे कि एक स्पीकर 600 वाट का है तो भाई इसी तरीके से जोड़ेंगे, दो कैबिनेट में 4 स्पीकर होगा तो हमारा एक कैबिनेट 1200 वाट, दो कैबिनेट 2400 वाट का बन रहा है। जैसे कि 2 ओम पे हमको इस एम्पलीफायर में 2500 वाट आउटपुट निकाल के देता है तो भाई 100 वाट ज़्यादा ही एम्पलीफायर वो आउटपुट निकाल के दे रहा है। इससे भाई ये होगा हमारा एम्पलीफायर जितना भी लंबे समय तक चलेगा एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही भाई कैबिनेट में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के एम्प्रोक्स प्राइस की। जैसे कि इस एम्पलीफायर का एम्प्रोक्स प्राइस हमारे मार्केट में जो है 45 से 46 हजार में ये एम्पलीफायर आपको अपने मार्केट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बड़े डीलर से लेंगे तो ओरिजिनल एम्पलीफायर स्टैंडर्ड का देखने को मिलेगा, और भाई यही प्राइस रेंज में ये एम्पलीफायर देखने को मिलेगा। डुप्लीकेट एम्पलीफायर आपको नहीं मिलेगा अगर आप बड़े डीलर से लेते हैं तो। चार कैबिनेट का प्राइस हमारा 88000 पड़ रहा है और एम्पलीफायर का जो एम्प्रोक्स प्राइस हो रहा है 46000। तो इस पूरा सेटअप का एम्प्रोक्स प्राइस जो पड़ने वाला है 1,30,000 से 1,35,000 में ये सेटअप आपको रेडी देखने को मिल जाएगा एम्पलीफायर
और चार टॉप के साथ। जैसा कि भाई बहुत कम प्राइस में ये चार सेटअप हमको एम्पलीफायर के साथ बहुत ही पावरफुल देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि ये सेटअप ऐसा है भाई, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा और इस सेटअप में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओम मैचिंग है, प्लस भाई जो स्पीकर का वाटेज है वो सेम है भाई, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और भाई इस सेटअप में आपको मिड बेस वाइब्रेशन सब कुछ भाई बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा। जैसे कि इस सेटअप के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने बताया, एम्पलीफायर, स्पीकर और भाई पूरा एम्प्रोक्स प्राइस। तो ये सेटअप आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से हम वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।